हेलो फ्रेंड्स, लीगल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन एंड रिमांड। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेषकर जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, कब कॉन्जुअल अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन होता है और कब नॉन कॉन्जुअल अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन होता है, और इस इन्वेस्टिगेशन की वैल्यू क्या होती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है चार्जशीट बनाता है या फाइनल रिपोर्ट बनाता है। तो इन सब विषय के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन का क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या इसकी वैल्यू होती है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। इसका मतलब है कि जो अन्वेषण होता है वो या तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया है, ऑथराइज किया है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि साक्ष्य को एकत्र किया जाए, एविडेंस को कलेक्ट किया जाए। मेन पर्पस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो अब यहां पे ये देखते हैं कि आखिर पावर क्या है, पुलिस अफसर की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर क्या होती है। इसके विषय में यहां पे दिया गया है कि ये इसकी पावर को हम दो कैटेगरी विभाजित करते हैं। कि पहला क्या है कि पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर इन कॉन्जुगल ऑफेंस एंड इन नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस, अर्थात कि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की क्या शक्ति दी गई है और असंज्ञेय मामलों में क्या शक्ति दी गई है, इसके विषय में यह बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आखिर कॉन्जुगल ऑफेंस में क्या पावर दी गई है। कॉन्जुगल ऑफेंस में पावर दी गई है पुलिस अधिकारी को सेक्शन 156 के तहत। उसमें कहा गया है कि कॉन्जुगल ऑफेंस में जब थाने में FIR लॉज होता है, यानी कि जब कॉन्जुगल ऑफेंस होता है और वो इसमें FIR लॉज करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के पास ये शक्ति होती है कि वह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने में वो देरी करेगा तो इससे अभियुक्त को साक्ष्य को मिटाने में सहायता मिलती है। इसलिए इन दोनों टॉपिकों में यह बेसिक अंतर है कि जब कॉन्जुगल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे मजिस्ट्रेट के परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। जबकि जब कोई मामला नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस में दर्ज किया जाता है, यानी NCR सेक्शन 155 के तहत जब NCR दर्ज होती है, तो उसमें पुलिस अधिकारी जो है वो तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है जब तक वो मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी को नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति दी जाती है, वैसे ही उसकी वही शक्ति आ जाती है जो कॉन्जुगल ऑफेंस में होती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक अंतर यह है कि नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकता है मजिस्ट्रेट के अनुमति के बिना या वारंट के बिना, लेकिन कॉन्जुगल ऑफेंस में यह पावर उसके पास रहती है कि बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के या वारंट के बिना वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अब यहां पे आते हैं हम कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन द कॉन्जुगल ऑफेंस। अब देखते हैं धारा 156 में ये अधिकार दिया गया, पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर की कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, यानी कि जिसे थाने का भार साधक अधिकारी कहते हैं, वो क्या करता है, वो कॉन्जुगल केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में, जिसमें वह किसी मामले की इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, उसके अधिकारिता में वो चीज किया गया हो, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पे दूसरी इसमें दिया गया है कि अब किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर ने जो
इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के किसी भी प्रोसेस में कोई ये प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह ऐसा पुलिस अधिकारी तो इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम ही नहीं था। मतलब व्हेन ए पुलिस ऑफिसर हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस देन दिस क्वेश्चन वुड नॉट बी रेज्ड इन एनी प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दैट सच पुलिस ऑफिसर वॉज नॉट ऑथराइज्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो ये यहाँ पे ये पुलिस अफसर को इसलिए पावर दी गई है ताकि कोई इसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कोई डिले ना करे या उस पर कोई ऐसा प्रश्न ना करे ताकि ये प्रोसेस जो है रुक जाए। अब उसके बाद तीसरे क्लास दे रहा है कि 156 क्लास 3 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये बेसिकली इसमें एप्लीकेबल होता है कि जब पुलिस ऑफिसर FIR लॉज करने में मना कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, वो क्या करता है 156 के क्लास 3 के तहत मजिस्ट्रेट को क्या करता है, एक एप्लीकेशन देता है। किस लिए? कि ताकि वो FIR लॉज करने का डायरेक्शन दे और इन्वेस्टिगेशन करे। तो इस कंडीशन में मजिस्ट्रेट FIR लॉज करने का डायरेक्शन देता है, उसके साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन देता है। तो ये 156 क्लास में मुझे था। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर क्या प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, इसके विषय में सेक्शन 157 में प्रक्रिया दी गई है कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो क्या क्या कदम उठाता है, किन किन चीजों को वो शुरू करता है, कौन कौन से स्टेप लेने जरूरी होते हैं, ये बात जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में फेल हो जाता है तो वास्तव में यह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, यह अन्याय माना जाएगा। इसलिए न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि किसी भी मामले का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ रहेगा तो जो एक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन होगा और जो व्यक्ति निर्दोष रूप में इसमें शामिल किया गया है उसको दोष मुक्ति हो जाएगी, यानी कि उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या स्टेप है। तो सबसे पहले है कि इन्वेस्टिगेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जो एक्यूज्ड को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करना ताकि मामले का संचालन किया जाए, मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो उस दिशा में जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि प्रोसीडिंग टू द स्पॉट। मतलब पुलिस अफसर क्या करता है, जिसे IU बोलते हैं, क्या करता है IU, वह स्पॉट पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जब वो स्पॉट पे जाएगा, उस घटना स्थल पर जाएगा, तो ऐसे बहुत से क्लू वहां पे मिलेंगे, बहुत से एविडेंस मिलेंगे जिससे उसे इन्वेस्टिगेशन कार्य करने में आसानी मिलेगी। तो पहले वो स्पॉट पे जाएगा, घटनास्थल पर जाएगा, और दूसरा कह रहा है कि वो एसर्टेनिंग ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, वो उन परिस्थितियों उन तथ्यों को निश्चित करेगा जिनके आधार पे मामले की शुरुआत किया जा सकता है। जो मामले में शामिल हैं वो परिस्थितियां और वो फैक्ट बताएंगे कि आखिर क्या क्या चीजें उस क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके विषय में वो निश्चित करेगा। और इस दिशा में जो तीसरा स्टेप है वो क्या है कि डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। डिस्कवरी करेगा, खोज करेगा, और ऐसे व्यक्ति जो क्राइम में कहीं कहीं इन्वॉल्व हैं, सस्पेक्टेड ऑफेंडर हैं, उनको अरेस्ट करेगा और उनकी पूछताछ करेगा ताकि अपराध के विषय में सही बातें सामने आए। और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कलेक्शन ऑफ द एविडेंस रिगार्डिंग द क्राइम। क्राइम से जुड़े जितने भी एविडेंस उसे मिलेंगे उनका कलेक्शन करेगा, उनको इकट्ठा करेगा और उसके आधार पे उनको आधार बनाएगा ताकि उसके विषय में जो चार्जशीट बनती है उसको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ द बायस पर्सन। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
सामान्यतः होता है कि किसी घटना स्थल पे जब कोई घटना होती है तो वहां पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मौजूद होते हैं, वो कहीं कहीं उस घटना को अपनी आंखों से देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, तो वो लोग बहुत कुछ उस घटना को देख के बारे में बता सकते हैं, जिससे पुलिस अधिकारी को एक्यूज के पास पहुंचने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है कि धारा 160 सेक्शन 160 के तहत पुलिस अधिकारी क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को जो घटना से परिचित है, इसका मतलब सच पर्सन्स हु आर एक्वेंटेड विद द क्राइम, उनको लिखित आदेश के द्वारा, रिटन ऑर्डर के द्वारा उसको ये सूचना दी जाएगी कि वो क्या करें, वो पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर हो और अपनी परीक्षा कराएं, अपने बारे उनके अपराधों के बारे में बताएं। ठीक है, अब इस दशा में 160 में हो गया, लेकिन 160 के में एक प्रावधान जो जोड़ा गया है 2013 में, ये जोड़ा गया है कि ऐसा पुरुष जो 15 वर्ष से कम उम्र का है या 65 वर्ष से ऊपर का है या कोई ऐसी स्त्री है जो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, यानी कोई ऐसी लेडी है जो मेंटली या फिजिकली डिजेबल है, उसको उसके रेजिडेंट से भिन्न जगह पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन उसके लिए पुलिस अधिकारी स्वयं उसके निवास स्थान पर जाएगा, उसे कहीं बाहर नहीं बुलाया जाएगा। ये मेन करके जोड़ा गया है ताकि लोगों को इन्वेस्टिगेशन देने में सहायता मिले। और इसके बाद फिर है कि अब जो 161 के तहत वो बयान हुआ, उसके बाद 161 का बयान होगा, उसमें क्या होगा कि पुलिस अधिकारी उन व्यक्तियों से पूछताछ करेगा, उन परिस्थितियों के बारे में जानेगा और कौन कौन सी बातें इस समय घटित हुई हैं उनका एक उनको रिकॉर्ड करेगा। यह रिकॉर्डिंग ना केवल लिखित होगी बल्कि इसको ऑडियो वीडियो के द्वारा भी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इसको अमेंडमेंट करके फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया है, क्या किया गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो विशेषकर सेक्सुअल ऑफेंस से कहते हैं, यौन अपराध बोलते हैं, जो 354 सेक्शन 354 ए बी सी डी, उसके बाद 376 ए, 376 बी, 376 ए बी, 376 सी, 376 डी और 376 डीए एंड डीबी और सेक्शन 509 के तहत जो अपराध किए गए हैं, वो अपराध ऐसे अपराध किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, उससे भिन्न अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ये प्रोविजन अमेंडमेंट करके बनाया गया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है। और इसके साथ साथ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पुलिस अधिकारी है वो क्या किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाध्य है। कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैन पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन आर नॉट, तो सेक्शन 157 का प्रयोग इस बात को साफ कर देता, क्लियर कर देता है कि अगर दो परिस्थितियां हैं तो वहां पे जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर स्वयं या अपने किसी सबॉर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजे। पहला कंडीशन क्या है कि अगर एफआईआर जो लॉन्च कराया गया है वो बाय नेम है, बाय नेम्ड है, यानी किसी व्यक्ति का नाम से एफआईआर दर्ज कराया गया है, पहली बात, और उसमें कोई गंभीर मामला नहीं है, कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है वो, तो पुलिस अफसर वहां पर इन्वेस्टिगेशन कार्य प्रारंभ नहीं, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है यह है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि वास्तव में जो सूचना दी गई है, जो अपराध दी गई है, उसके पहले कोई प्रारंभिक जांच की जानी जरूरी चाहिए, तो वहां पर भी पुलिस अधिकारी बिना जांच किए इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको रिमांड टॉपिक बताएंगे कि वास्तव में रिमांड क्या होता है, उसके बाद ये बताएंगे। हाँ, इसके बाद अब यह है कि रिमांड का कंसेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिमांड होता क्या है। वास्तव में रिमांड जैसा शब्द सीआरपीसी में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि कस्टडी वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये देखना है कि कस्टडी होती क्या है, ये बहुत जरूरी चीज जानना है कि अब सेक्शन 167 में कस्टडी की बात की गई है कि जब सीआरपीसी के सेक्शन 57 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसका 24 घंटे के अंदर
उसका अन्वेषण कार्य पूरा नहीं हो पाता, मतलब when the person has been arrested by the police officer and investigation has not been completed within the 24 hours, तो फिर क्या होगा? वह फिर पुलिस अफसर क्या करेंगे? सेक्शन 167 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष इस बात की प्रतिलिपि देंगे, किस बात की प्रतिलिपि देंगे कि अभी और भी अन्वेषण का कार्य बाकी है, और भी कार्य अन्वेषण कराना है। तो तब ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस व्यक्ति को जेल से पुलिस कस्टडी में देगा, जिसे हम पुलिस रिमांड बोलेंगे। जेल से पुलिस कस्टडी देता है, जिसे पुलिस कस्टडी रिमांड बोलेंगे। और यह पुलिस रिमांड की जो अधिकतम अवधि होती है, मैक्सिमम टाइम जो होती है, वो 15 दिन तक होती है। तो मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज्यादा अवधि का रिमांड नहीं देगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे जानना आवश्यक है, वो यह है कि 15 दिन को लगातार 15 दिन नहीं देगा, वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को एक बार ही 15 दिन की रिमांड पे दे दे, तो इससे सबसे ज्यादा खतरा होता है कि ऐसे व्यक्ति का पुलिस जो है टॉर्चर करती है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, और इससे जो फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है वो नहीं हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में देता है, तो जब वो देता है और उसके बाद जब वो व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके शारीरिक जांच का भी आदेश देता है, उसको देखता है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे ये अधिकतर टाइम 15 डेज की हो गई है, और जब 15 डेज के बाद जो भी कस्टडी दी जाएगी वह केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी होती है, ओनली जुडिशियल रिमांड होती है। और क्योंकि जब 15 दिन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन का कार्य नहीं पूर्ण हो पाता है, तब भी इसको जरूरत पड़ती है पुलिस अधिकारी को, तो वहां पे वो जुडिशियल कस्टडी में मांगता है। और जुडिशियल कस्टडी के बारे में दो प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें डेथ पेनाल्टी है, या लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, या 10 ईयर से अधिक इंप्रिजनमेंट है, तो उस परिस्थिति में उसको 90 दिन के लिए, 90 दिन तक क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, जुडिशियल कस्टडी में दे सकता है, यानी कस्टडी रिमांड इन जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को 90 दिनों तक किया जाएगा। लेकिन अन्य कोई ऐसा मामला है, इससे भिन्न मामला है, उसमें क्या है, अगर उसमें भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में 60 डेज के लिए उसको जुडिशियल रिमांड दी जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज है। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न है कि अगर किसी, ये तब होता है जब चार्जशीट नहीं आती है, लेकिन अगर चार्जशीट फाइल हो गई है कोर्ट में, तब अगर मजिस्ट्रेट रिमांड भी देना उसको है, तो केवल और केवल जुडिशियल रिमांड ही देता है, जुडिशियल कस्टडी ही देता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि अगर इन 90 दिन या 60 दिन के भीतर भी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उस परिस्थिति में जो एक्यूज उसके क्या अधिकार है, तो उस परिस्थिति में कहा जाएगा कि अगर वो जमानत लेने के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति को बॉन्ड पर जमानत दे दी जाएगी। ये मेन जमानत के बारे में प्रावधान है, तो जमानत दे देना चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो नियरेस्ट नहीं है कोई, और उस व्यक्ति को 24 घंटे के बाद किसी कीमत पे उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना है, तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 167 का क्लास 2A में दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति में जो निकटतम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, उसको भी रिमांड पर कस्टडी में देने का अधिकार दिया गया, पावर दी गई है। लेकिन वह अधिकतम 7 दिन से ज्यादा किसी भी अभियुक्त को रिमांड पर नहीं दे सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये 7 दिन, 15 दिन और 60 डेज का जो कंसेप्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और खासकर इंटरव्यू में विशेषता इस बात की जांच होती है कि क्या अभ्यर्थी ने वास्तव में अच्छी तैयारी की है, चीजों को समझा है, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी आता है कुछ केस में कि आखिर वो ट्रांजिट रिमांड क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल ट्रांजिट रिमांड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा अभियुक्त है जिसने कई स्टेट में ऑफेंस किया है, तो ऐसी परिस्थिति में है कि अगर वो कहीं पे पकड़ा जाएगा,
तो क्या उसको ट्रांजिट रिमांड पे भेजा जाएगा, यह जानना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो सीआरपीसी के सेक्शन 71, 76 और 80 में इनडायरेक्टली रूप से ट्रांजिट रिमांड की बात होती है। तो सबसे पहले यहां बता दें कि ट्रांजिट रिमांड होता क्या है। तो ट्रांजिट रिमांड के सेंस में हम कहेंगे कि जैसे कोई अभियुक्त, मान लीजिए वह अगर दिल्ली में कोई ऑफेंस करता है और फिर बाद में मुंबई चला जाता है, वहां मुंबई में भी ऑफेंस करता है और कुछ समय बाद वो व्यक्ति कलकत्ता में पकड़ा जाता है। तो अब कलकत्ता में पकड़ा जाता है तो उस कंडीशन में मान लीजिए मुंबई की पुलिस ने उसको कलकत्ता में अरेस्ट कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वह व्यक्ति जिसने दिल्ली में अपराध किया है, क्या दिल्ली की पुलिस उसको रिमांड में ले सकती है? तो ट्रांजिट रिमांड का कंसेप्ट यहीं से आता है कि जब दिल्ली की पुलिस भी मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई इस व्यक्ति को हमें भी पूछताछ करनी है क्योंकि इसने दिल्ली में भी क्राइम किया है, तो जब उसको रिमांड पर लेगा तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड, यानी रिमांड जो है क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो ये ट्रांजिट रिमांड का कंसेप्ट होता है। तो ये मेन मेन टॉपिक है। और थैंक यू दोस्तों।